हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेश गुजरात, सूरत सिटी गुजरात से। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेकलेस के बारे में समझाने वाला हूँ। नेकलेस में कैसे हम बना सकते हैं, उसका मेजरमेंट क्या रहता है, और उसमें दो लिंकिंग जो रहता है, साइड लिंक चैनल लिंक, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे क्या नेकलेस में बना सकते हैं। और उसके पहले हमारे ये चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं नेकलेस के बारे, ब्रेसलेट के बारे में, चैनल सेटिंग के बारे में, कैसे वीडियो बनाते हैं, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप फ्री हो के ये सब भी वीडियो देख लेना, तो आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चार चीज़ सिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले नेकलेस में नेकलेस हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसका मेजरमेंट क्या रहता है, उसके बाद उसमें दो लिंकिंग रहता है, साइड लिंक ताना लिंक, दोनों में कैसे क्या मेजरमेंट रखना है, कैसे लिंकिंग करना है, वो बताऊँगा। और उसके बाद एक नेकलेस में आपको ताना लिंक करके दिखाऊँगा कि एक प्रेशर सेटिंग वाला कोई कॉलेट है, उसमें कैसे ताना लिंक कर सकते हो, वो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप थोड़ा फ्री हो के ही वीडियो देखना और उसके बाद अपने हिसाब से ट्राई करना। तो अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे टेलीग्राम में बता देना, मैं उसके बारे में आपको समझा दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको नेकलेस के बारे में समझाता हूँ। नेकलेस में हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले नेकलेस का जो मेजरमेंट रहता है वो 110 mm से 130 mm तक रहता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी समझिए 110 mm का सर्कल लेना है। ये 110 mm का मैंने सर्कल लिया, तो इसमें क्या रहता है, ये नेकलेस के बारे में आपको पता होगा, ये हाफ तक ही डायमंड आएगा, उसके बाद चेन भी लगता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हाफ तक ही कोई भी चीज़ है, हाफ तक उसका डायमंड रखना है। हाफ तक का जो कव मैंने बनाया उतना ही डायमंड पार्ट रहेगा, उसके पीछे कोई डोरी लगाता है या फिर कोई चेन लगाता है, प्लेन चेन आता है और डिजाइन वाला चेन, सब अलग अलग लगाते हैं। मेन तो हमें कैड में यही चीज़ बनाना रहता है। तो उसके बारे में सबसे पहले आपको 110 mm का सर्कल लेना है। जैसे हम लोग रिंग में इसके बाहर ही डिजाइन बनाते हैं, वैसे भी इसमें आपको उसके बाहर ही डिजाइन बनाना है। समझो कोई भी डिजाइन होगा, कोई भी पार्ट रहेगा, ये पार्ट मैंने बनाया हुआ है, तो एक पार्ट को आप यहाँ पे रख दीजिए और उसको मैं अभी आपको दिखाने के लिए खाली दिखा रहा हूँ। ये 18 मैंने लगाए पार्ट, ये समझो कि डायमंड वाले पार्ट है। तो ये इतना आपको ऐसे कॉपी करना है, तो ये एक नेकलेस बन गया। अभी इसमें साइड लिंक आएगा, ताना लिंक आएगा, उसको आपको मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, हाफ तक ही कोई भी पार्ट रहेगा ना, वो डायमंड वाला रहेगा या फिर थोड़े थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, लेकिन आपको आप तक ही बनाना है। उसके बाद का जो रेडीमेड मिलता है तो हमें उसमें कुछ करना नहीं है। तो आपको कोई भी चीज़ बनाना है नेकलेस के बारे में, तो उसको पहले सेंटर में बनाना है। जैसे ये मैंने पार्ट अभी यहाँ पे बनाया था, तो उसको मैंने नीचे मुँह करके ले लिया। तो आपको कोई भी पार्ट बनाओ तो आपको पहले वो सेंटर में ठीक से बनाना है, उसके बाद ही वहाँ पर रखना है। तो नेकलेस के बारे में यही था कि 110 mm से 130 mm तक आप रख सकते हैं कितना भी, और उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 110 रखे या 120 रखे, वो तो चेन जैसे बनेगा वैसे लिंकिंग के हिसाब से वो बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं अभी हमने ये समझ लिया कि ये नेकलेस में होता क्या है, कैसे बनता है। अभी हमको क्या करना है, साइड लिंक में करना है और ताना लिंक, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी नेकलेस में एक चीज़ आपको बताना है कि नेकलेस कोई भी पार्ट रहेगा उसको कंपलसरी आपको गैलरी वाला ही बनाना है, उसमें गैलरी होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बनाओ तो गैलरी में रहेगा तो ही साइड लिंक होगा या फिर ताना लिंक होगा। ऐसे प्लेन रहेगा तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगी, ये खाली देखने के लिए हम लोग रख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे गैलरी रहेगा तो ही यहाँ पे वो लिंकिंग कर पाएंगे। तो साइड लिंक के बारे में आपको एक कॉलेट में गैलरी वाला कोई पार्ट रहेगा उसके बारे, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। अभी समझिए कि ये एक कॉलेट है, तो इसके अंदर हमें साइड लिंक करना है। तो डिज़ाइन कैसे, अगर डिज़ाइन है तो ये कॉपी करके आपको साइड में ले लेना है। आपको साइड लिंक में कुछ करना नहीं, आपको खाली दोनों साइड सपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है। समझो कि ऐसे ये डिज़ाइन रखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बिठा के समझा देता हूँ। यहाँ पे लिया, फिर कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे साइड लिंक हो जाए। उसमें क्या रहता है, दो प्रोंग है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कड़ी लगा देंगे, तो उसको साइड लिंक के हिसाब से ही देखते हैं। अभी समझिए कि ये अभी तो प्रोंग यहाँ पे है, अगर प्रोंग नहीं है वो तो आपको क्या करना है, अगर डिज़ाइन यहाँ से सेटिंग करना है, जैसे ये मैंने यहाँ पे ऐसे किया था, लेकिन ये पार्ट ऐसे है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिंकिंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 0.7 का कोई भी सपोर्ट बना के बीच में रख देना है। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट बना दिया, ये आपको सब सेंटर में ही करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, दोनों साइड सपोर्ट हो गया। ये थोड़ा टेपर किया हुआ है तो आपको पहले वो ठीक कर देना है। अभी ये हो गया, इसको सामने मिरर लगा देते हैं, दोनों साइड सपोर्ट लग गया। अभी आपको क्या करना है, ग्रुप करने के बाद इसको फिर से कॉपी कर दीजिए, सिक्सटी सिक्स में अभी रख रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड सपोर्ट है तो इसके बीच में वो लोग कड़ी लगा देंगे, तो यहाँ पे साइड लिंक हो जाएगा। ज़्यादातर ये बीच में गैप रहेगा, इसलिए क्या करेंगे कि डिज़ाइन शायद यहाँ पे भी वो लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे भी वो लिंकिंग कर सकते हैं। वो तो जब आपको बनाने के लिए आएगा तो आप वो पता चल गया, उसमें आपको पहले से बता देंगे कि कहाँ पे लिंकिंग करना है। अगर ऐसा कॉलर रहेगा तो आपको यहाँ पे लिंकिंग करना है। ज़्यादातर यहाँ पे बीच में सपोर्ट रखेंगे तो यहाँ पे पूरा कड़ी देखेगा। तो आपको इस तरीके से साइड लिंक में इस तरीके से होता है, और ताना लिंक जो रहता है तो मैं आपको इसी कॉलेट में ताना लिंक कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। तो ताना लिंक में क्या रहता है, उसमें थोड़ा प्रोसेस है लंबा, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जिस व्यू से आपको लिंकिंग है, समझो यहाँ पे लिंकिंग करना है तो इस व्यू में आप सबको सब बनाना है। अभी राइट व्यू में 0.7 का आपको स्क्वायर एक ले लेना है, मैं अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा। 0.7 का एक स्क्वायर लेना है, फिर उसको डुप्लीकेट 0.7 नीचे एक मूव करना है, और इसको फिर से 0.7 मूव कर दीजिए, या फिर कॉपी करके भी ले सकते हैं। ऐसे ही आप कर देना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और फिर 0.7 नीचे, फिर से 0.7 नीचे। तो यहाँ पे 0.7 का ये बॉक्स है, उसके बाद 0.7 के बीच में जगह है, और ये 0.7 के नीचे थोड़ा कटिंग करना है उसके बारे में। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैं आपको एक कॉलेट रहने देता हूँ, एक कोई राउंड अच्छा रहेगा पार्ट उसमें करके दिखाता हूँ। कोई कॉलेट है नहीं, मैं एक कॉलेट बना लेता हूँ, समझिए आपको 3 mm का राउंड कॉलेट वाला कोई भी शेप बनाने के लिए आया। तो आपको क्या करना है, एक 3 mm का मैं अभी एक कॉलेट बना लेता हूँ अपने हिसाब से, 3 mm, 3.2 - 1.5। अभी मैंने हाइट इसके ऐसे ही दे दिया है, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। F6 दबा के जेम कटर लेके ये कटिंग कर देना है, जेम कटर लेना है, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा कट कर दीजिए इसको। इसको 4 कॉपी लगा दें। अभी ये हमारा कॉलेट बन गया है, तो इसमें अभी लिंकिंग करना है। तो इसमें कैसे करना है ये समझ, मैं ऐसे कर देता हूँ, और डिज़ाइन समझे कि ऐसा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दोनों के बीच में ताना लिंक करना है। तो अब कैसे करेंगे, ये तो ये कॉलेट बन गया, अभी ये जो मैंने मेजरमेंट बोला था उसके हिसाब से पहले डिज़ाइन कर देना है। 0.7 का स्क्वायर, उसके नीचे 0.7 छोड़ के एक दूसरा 0.7 का स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइड में से एक कॉलेट लेके आपको जहाँ पे डायमंड का पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको ये जो बॉक्स है वहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि इसके डायमंड के नीचे ये सेटिंग होगा। अगर यहाँ पे बीच में रहेगा तो डायमंड निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डायमंड जो भी रहेगा उसके नीचे आपको बनाना है, और इस उसके बाद इसका जो हाइट है वो आप हाइट इसका बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक इसको हाइट ले लीजिए, ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो बीच का सरफेस रहेगा उसको बॉटम करके आपको ये जो कट रहेगा उसको हाफ तक लाना है, यहाँ पे हाफ तक रहेगा उसको, और ये जो दोनों कव है उसको डायरेक्ट एक्सट्रूड सरफेस देके यहाँ पे ऐसे आप हाइट दे देना, और सामने मिरर लगा देना। अभी इसमें क्या करना है, ये दो दो
दोनों स्क्वायर रहेगा, उसको क्या अगर एकदम जूम करके देखना है इसके नीचे है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा खाली नीचे खींच के रखना है क्योंकि यहाँ पे कटिंग होने वाला है, इसलिए अगर ऊपर रहेगा तो फट ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी ये चारों सरफेस मैंने बना दिए हैं, तो अभी इसमें से हमें इसमें गैलरी भी बनाना है। तो गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले क्या, आपको कटिंग कर देना है, उसके बाद यहाँ पे गैलरी बनाना। तो इसमें कटिंग आपको तीन चीज़ करना है, ये जो पार्ट रहेगा आप फ्रंट से देखेंगे तो ये पार्ट रहेगा ना, ये तीनों पार्ट कटिंग हो जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करना है, ये हाफ सक है उसको पहले आर पार कर देना है, इतना चीज़ आपको देखना है। ये तीन चीज़ यहाँ पे हाफ रहेगा, ये दोनों यहाँ पे आर पार रहेगा और ये सपोर्ट ऐसे ही यहाँ पे ज्वाइंट रहेंगे, तो ये तीनों को मैं अभी कट कर देता हूँ। ये तीनों कट हो गए इस तरीके से। अभी इसमें ये जो सपोर्ट है वो आपको क्या करना है, पहले मुंह फेस करके यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ से ये सपोर्ट 5.5 mm दूर रहना चाहिए, यहाँ से 5.5, 5.5 mm सपोर्ट आपको यहाँ से ये करना है। आपको क्या करना है, ये दोनों को फिर ज्वाइंट कर देना है। अभी इसमें अगर गैलरी आपको बनाना है तो गैलरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, समझिए कि मैं इसमें गैलरी का मेजरमेंट ठीक से आएगा नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कोई बॉक्स टॉप से बना लीजिए, एक टॉप से बॉक्स बना और यहाँ पे 0.8 यहाँ से नीचे लेके, यहाँ से आप 0.8 छोड़ के ऊपर का जो भी है वो कटिंग कर सकते हैं, या फिर ये जो गैपिंग है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, ये थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये थोड़ा ऊपर ले लीजिए। इसका मेजरमेंट ऐसे देखना है, ये सब यहाँ पे जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, समझिए यहाँ पे ये 1.4 है तो यहाँ पे आपको ये 1.5 नहीं होना चाहिए, ये खाली ध्यान रखना है, यहाँ पे जितना रहेगा यहाँ उससे कम और नीचे वाले में उससे भी कम रखना है। तो मैं अभी यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये 0.1.4 है, ये 1 mm है और ये 1 mm, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 0.1 नीचे ले लेता हूँ और इसको खाली ऊपर से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से आपको देखना है, और गैलरी आपको पूरा कट नहीं करना है, आपको क्या करना है सेंटर में लेने, आपको सेंटर में बनाना है, तो यहाँ से इतना खाली कटिंग रहेगा, यहाँ पे तो लिंकिंग किया हुआ है तो अगर मैं यहाँ पे कट करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, लिंकिंग पूरा निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, खाली यहाँ से बाहर से दिखेगा वैसे आपको करना है, तो इसका पॉइंट ऑन करके आप पहले यहाँ पे सेंटर में ले लीजिए और इसको स्केल 1D करके ऐसे दबा दीजिए, और ये जो प्रोंग रहेगा उसको हाफ तक आप रख सकते हैं, इसको यहाँ से हाफ तक, ये इतना ही खाली कटिंग होगा। तो आपको क्या करना है, फिर सामने मिरर लगा देना है और दोनों साइड इसको कट कर देना है, ये दोनों साइड गैलरी हो गए। इस तरीके से ये ताना लिंक का जो क्वाड रहेगा वो आपको बनाना है। अभी समझिए कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट रहेगा वो 5.5 mm दूर है, तो आपको RPT में कैसे करना है, ये दोनों ये पूरा ग्रुप कर देना है, फिर यहाँ पे एक कॉपी करके दूसरा क्वाड आएंगे, एक कॉपी करके ये फिटिंग कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। समझिए आपने RPT में ऐसा दो दो क्वाड रहेगा तो उसके क्या करेंगे, ये जो पाइप है इसके अंदर इंसर्ट करके फिर यहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अभी समझिए कि ये कॉलेट डिजाइन में यहाँ पे है, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। इसका जो फिटिंग रहेगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ से इसको टर्न लग के फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा और ये यहाँ पे ऐसे फिटिंग होगा। ये तार जो अपने सीधा रखा रखा है ना उसके वो ऐसे मुड़ के यहाँ पे फिटिंग कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे लिंकिंग होगा, तो फिर ये जो कॉलेट है वो यहाँ सपोर्ट है, तो इस तरीके से वो पूरा मोमेंटम होगा, इस तरीके से आपको देना है। तो आपको क्या करना है, ये 5.5 mm से कम रह नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से कटिंग यहाँ पे घूम के यहाँ पे फिर फिटिंग हुआ, तो आपको 5 mm से 5.5 mm तक आपको इसको रखना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से एक वॉलेट बनाना है। अभी इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। अभी ये समझ आपने ये समझ लिया कि साइड लिंक में और ताना लिंक में ये दोनों बता दिया मैंने आपको, ताना लिंक कैसे कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा फाइल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं। तो अभी ये मैं कॉलेट अभी थोड़ा साइड में रख देता हूँ, अगर आपको चाहिएगा तो मैं टेलीग्राम में आपको डाल दूँगा। अभी मेरे पास थोड़ी फाइल मैंने बनाई हुई है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैसे उसमें मैंने नेकलेस बनाया है। मैंने अभी इसे सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि नेकलेस हम लोग कैसे बना सकते हैं, और आपको नेकलेस का फाइल थोड़ा दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये फाइल ओपन हो गया है, तो इसका मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ। ये जो डी ये जो इसका इमेज है वो आपको देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप तक इसका डायमंड बनाया हुआ है। और इसमें लिंकिंग कैसे किया हुआ, ये जो पूरा नीचे का वो पूरा बीच में जो पार्ट रहेगा वो पूरा ग्रुप ही रहेगा। जैसे अभी समझिए ये इतना पार्ट मैंने ग्रुप रखा है, यहाँ पे एक लिंकिंग होगा, अलग से पाइप दिया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर इसको वेट कम रखना है तो इसका मैंने गैलरी नहीं बनाया, लेकिन इसका जो जहाँ पे लिंकिंग हो पाएगा वहाँ पे मैंने गैलरी कर दिया है। तो आपको ये समझिए कोलेट का ये जो प्रॉन्ग है ना वो छोटा होगा, इसलिए आपको क्या करना है, ये 0.7 का तो रहना ही चाहिए। तो आपको यहाँ से 0.7 कैसे आप पाइप भी लगा सकते हैं अलग से, तो वहाँ पे आसानी तरीके से लिंकिंग हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो पार्ट रहेगा वो पूरा कॉपी होकर यहाँ पे ये फिटिंग होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो आपको गैलरी कंपलसरी चाहिए, अगर वेट कम करना है तो इसमें जो बीच वाला जो पट्टी रहेगा उसमें से आप कुछ भी ये गैलरी निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लिंकिंग रहेगा वहाँ पे तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे बीच में भी बनाया हुआ है, इस पार्ट में नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़रूरत था नहीं, इसलिए। फिर मैं आपको दूसरा पहले बताता हूँ। इसमें भी मैंने साइड लिंकिंग किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच वाला पूरा पार्ट रहेगा वो पूरा ग्रुप है। उसके बाद मैंने ये जो प्लेन पार्ट एक डायमंड वाला पार्ट ये मैंने बनाया है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, ये पूरा पार्ट आपको सेंटर में ही बनाना है, फिर यहाँ पे मूव करके आप रख सकते हैं। अभी मैंने इसमें गैलरी बनाया तो दोनों साइड मैंने सपोर्ट रखा है, ये कंपलसरी जहाँ पे ये टच रहेगा पार्ट उसके पास गैलरी के पास दोनों सपोर्ट भी रहने चाहिए। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट दोनों रख दिया, फिर यहाँ पे कड़ी बना के वो लोग लिंकिंग कर लेंगे। और बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो आप समझिए कि पेंडेंट आप जैसे बना दे वैसे ही समझिए, ये डिज़ाइन आपको पेंडेंट बनाने के लिए आए तो आप कैसे बनाते हैं वैसे ही आपको सिंपल तरीके से बना देना है, लेकिन खास ध्यान यही रखना है कि इसमें गैलरी होना चाहिए। और दोनों साइड यहाँ पे कड़े लगा के वो लोग फिटिंग कर लेंगे। अभी समझिए इसके ऊपर मैंने ये प्लेन पार्ट भी बनाने के लिए दिया था, तो इसमें भी मुझे गैलरी बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग करना है इसलिए। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो पार्ट है उसका थिकनेस आप एकदम कम रख सकते हैं, जैसे 0.5 0.6 आप इतना भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं, खाली बीच का जो गैपिंग रहेगा वो आपको 0.8 जितना रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कड़ी रहेगा वो 0.8 का तो रहे 0.7 का तो रहेगा, तो थोड़ा सा गैपिंग आपको चाहिए इसलिए। और एक दूसरा हेल है, ये एक चीज़ मैंने बनाया था। तो इसमें ये जैसे अगर आपको ऐसा अगर कोई नेकलेस बनाने के लिए तो आपको क्या नहीं, ये जैसे मैंने बोला वैसे ये पूरा पार्ट जो है आपको पहले सेंटर में बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन बिठा दीजिए। और जैसे मैंने अभी ये डिज़ाइन अपने हिसाब से मैंने सपोर्ट लगाया है, लेकिन जहाँ पे ये पार्ट टच हो रहा है ना, जहाँ पे यहाँ पे बीच में टच हो रहा है, तो मैंने क्या किया वहाँ पे एक अलग से पाइप लगा दिया है, तो वहाँ पे लिंकिंग होगा। तो ये आप कंपलसरी ये ध्यान रखना है, जहाँ पे टच होगा वहाँ पे चाहिए, अगर सपोर्ट यहाँ पे ऐसे लगाना है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कम सपोर्ट रखना है, क्योंकि जहाँ पे लिंकिंग होगा वहीं पे पाइप चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर रहेगा तो आपका ये जो डिज़ाइन में गैपिंग वो मेंटेन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा अगर सेंटर में एक ही लगा दीजिए और जहाँ पे वो टच हो रहा है वहाँ पे आप ये ऐसे पाइप बना सकते हैं, इस तरीके से मैंने ये बनाया। तो आप ऐसे अगर फ्लैट पार्ट रहेगा तो थोड़ा सा डोम भी दे सकते हैं आप ऐसे इस तरीके से। और ऊपर भी मैंने एकदम पतला ये बनाया, देखिए यहाँ पे इसका हाइट कितना है और यहाँ पे इसका हाइट कितना है ये देख लीजिए। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे अच्छा ताना लिंक किया है, ये ताना लिंक मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ताना लिंक अगर आपको ऐसा पार्ट में ताना लिंक करना है तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने बॉक्स बनाए थे उसके बाजू में 0.6 जितना जगह तो रहना चाहिए, अगर इस तरीके से बनाना है। अगर यहाँ पे देखिए मैंने इसमें आप कटिंग किया हुआ है, इसमें भी है, इस मैंने जैसे उसमें बोला था वैसे एक पार्ट रहेगा, तो आपको क्या करना है एक हाफ में इतना कटिंग रहेगा, यहाँ पे पूरा आर पार रहेगा। मैंने यहाँ पे सपोर्ट अभी नहीं लगाया क्योंकि ये आरपीटी में जाएगा, तभी मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाऊंगा, क्योंकि अगर वो सपोर्ट रखूंगा तो मैं ये इमेज में जब करूंगा तो उसमें बीच में आ जाएगी, इसलिए जब मैं आरपीटी में डालूंगा, क्योंकि ये एक पार्ट ही मुझे आरपीटी में डालना है, तो उसके लिए क्या मैं एक पार्ट जब
आरपीडी में डालूंगा तभी यहाँ पे मैं सपोर्ट लगा दूंगा। तो इस तरीके से आपको ताना लिंक करना है। अगर गैलरी आपका अगर छोटा है 0.6 का है तो, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बनाएंगे, ये मैंने जैसे यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है ये मेटल देखिए यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा अंदर भी रखा क्योंकि यहाँ पे 0.7 तो जगह चाहिए ही, इसलिए आपको इस तरीके से ताना लिंक कर सकते हैं। तो एक तो अगर पार्ट में आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सब बाद में जो एक पार्ट जो मैंने बनाया है वो ताना लिंक में है और यहाँ पर साइड लिंक में है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। और एक फाइल आपको दिखा देता हूँ, अगर अलग अलग फाइल में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ी फाइल सिलेक्ट करके रखी थी आपको दिखाने के लिए। तो ये जो अभी प्रेशर सेटिंग है तो इसमें अभी देखिए यहाँ पे तार ये यहाँ पे साइड लिंक किया हुआ, तो दोनों साइड सपोर्ट है यहाँ पे, ये दोनों साइड सपोर्ट रखा है। फिर माला वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे यहाँ पर कड़े लगा देंगे, और यहाँ पर भी शायद सपोर्ट रहेगा। ये देखिए यहाँ पर बीच में मैंने दोनों साइड सपोर्ट रखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों में लिंकिंग होगा, तो यहाँ पे दोनों नज़दीक है, फिर भी मुझे लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये लिंकिंग होने वाला था इसलिए। और ये जो पार्ट अगर आपको रहेगा, ये अगर ऐसा बनाने के लिए आया तो आपको क्या करना है, आपको ये जो पूरा ऐसा समझिए कि ये एक पेंडेंट बनाने के लिए आपको आया, पेंडेंट के हिसाब से आपको पूरा बना देना है, लेकिन आपको गैलरी यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है, जैसे ये डिज़ाइन में डोम है वैसे नहीं करना है, वरना थोड़ा लिंकिंग ठीक से होगा नहीं। तो आपको जैसे पेंडेंट बनाते हैं वैसे पेंडेंट बना देना है, ड्रॉ करके राइट में से फ्रंट में से ड्रॉम दे के थोड़ा स्टेपिंग करके यहाँ पे आप पूरा गैलरी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मूव करके आप यहाँ पे रख देना है। तो आपको नेकलेस में यही चीज़ ध्यान रखना है कि पूरा पार्ट सेंटर में बनाना है, ठीक से मिरर टू मिरर बनना चाहिए, और फिर मूव करके आपको यहाँ पर लेना है। अगर ये जैसे मैंने अलग अलग प्रेशर से तो मैंने कलर अलग अलग दे दिए क्योंकि ये पता चल जाए कि ये तीनों साइज छोटा है, उसके नीचे छोटा है, फिर यहाँ पे एक छोटा साइज है, फिर छोटा है, इस तरीके से आपको बता दिए हैं। तो आपको ये नेकलेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा होगा, क्योंकि आप पहले कोई एक दो नेकलेस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये आपको नेकलेस बनाना नहीं, आपको खाली ये साइड लिंक का मैंने जो कॉलेट पहले बना के दिखाया था वैसे आपको एक साइड लिंक का बनाना है, वैसे एक ताना लिंक का एक पहले आप कॉलेट बना के बनाना सीख लीजिए। ये जो मैंने कॉलेट बनाया, ये कॉलेट जैसे मैंने बनाया, तो इस तरीके से आपको पहले एक कॉलेट बनाना सीखना है। तो कॉलेट बनाएंगे उसके बाद ही वो पता चलेगा। जैसे ये ही कॉलेट है, तो अगर ये मैंने 110 mm का मैं सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉलेट रख दिया, जब आरपीडी में डालूंगा तो इस तरीके से होगा। और फिर वो लोग फिटिंग करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग होगा। तो आपको क्या करना है, ये जब मैंने ये फोटो ले रहा हूँ तो ये सपोर्ट दिख रहा है बाहर, तो आपको क्या करना है, जब फोटो ले रहे हो तब ये सपोर्ट इसको कम कर देना है, जब आरपीटी में डालेंगे तभी आपको करना है। ये सपोर्ट मैंने कम कर दिया, फिर ये कॉलेट कर दिया कॉपी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा लिंकिंग हो जाएगा, वो उस तरीके जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर वो लोग सोल्डर कर देंगे। तो आपको सबसे पहले ये कॉलेट बनाना सिखाना है, इस तरीके से आप कॉलेट बना देना। तो ये इसका जो फाइल रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और फाइल लेके अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हाफ रहेगा और यहाँ पे फुल कटिंग रहेगा, ये जैसे मैं राउंड में बनाया आप ऐसा करना। ये जो प्रेशर सेटिंग है, कोई भी एक प्रेशर सेटिंग वाला बनाना, उसमें प्रेशर सेट इसमें ताना लिंक करना तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको फिर अगर इसमें करना है तो आप कैसे कर सकते हैं समझिए, ये मैंने सपोर्ट चारों साइड लगाए, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे 0.7 का जो स्क्वायर रहेगा उसके बाजू में 0.76 का जगह रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो एक सपोर्ट रहेगा वो आपको थोड़ा ब्रॉड कर देना, अलग से मेटल नहीं बनाना है, इसे थोड़ा ब्रॉड करके यहाँ पे राउंड में आप ठीक से बिठा देना, फिर यहाँ पे वो सेटिंग हो जाएगा पूरा। और ध्यान ये रखना है कि ये जो अगर ये बीच में डायमंड है तो आपको उसके नीचे 0.7 रखना है, जैसे मैंने उसमें बताया था, 0.7 का स्क्वायर लिया, फिर 0.7 जगह, फिर 0.7 नीचे, तो इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। तो एक प्रेशर सेटिंग वाला एक कॉलेट बना के आप उसमें ही बनाना, एक कॉलेट अगर शायद छोटा रहेगा तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, एक ये भी बना देना राउंड कॉलेट में, और एक प्रेशर सेटिंग वाला कॉलेट है उसमें भी यहाँ बना दे, तो आपको डिज़ाइन में जब बनाने के लिए आएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो मैं अभी वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम में मुझे बता देना, और टेलीग्राम का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना अगर कोई नया स्टूडेंट है तो। और ये जो ये फाइल जो है वो भी मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से
डाउनलोड करके फिर ओपन करके पूरा देख लेना किस तरीके से मैंने बनाया और उसका कितना मेजरमेंट है, तो उस तरीके से आप बना देना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।